दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, जब सब हो गए बेहिजाब तो हम क्या जवाब दे। थक गया हूँ वो किसी कॉमेडियन, कोई लड़का है जिसने वो गंदी चंदी कॉमेडी कर दी है, कुछ धार्मिक बातों पे कुछ गलत शब्द बोल दिया है। मीडिया वाले मुझे पूछ रहे हैं कि सर कॉमेडी कैसी हो गई, कॉमेडी क्या है, कॉमेडी। भाई पहली बात तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इन यूट्यूबर्स को जो गालियां बकते हैं उन्हें कलाकार बोलना बंद करें प्लीज़। वो ना कलाकार है, वो ना कॉमेडियन है, ना वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। उन्हें हमसे ना जोड़ें, खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। दे आर बास्टर्ड पीपल जो गालियाँ देते हैं, गालियां देने वाले जो लोग हैं। आपके चाचा का है ये प्लेटफॉर्म, चाचा का है आपका प्लेटफॉर्म जो साले जो मुंह में है बक देंगे कॉमेडी के नाम पे, और बदनाम हम लोग होते साफ सुथरी कॉमेडी करने वाले, क्या जरूरत है सब चीज करने की। घर वाले तुम्हें रोकते नहीं, कौन से घर वाले तुम्हारे, मुझे मिलाओ उनसे। माँ बाप को आपको शर्म, आपकी माँ बाप को शर्म नहीं आती बेटा प्लेटफॉर्म पे क्या बोल रहा है? बहन सुनती होगी, माँ सुनती होगी, छूट गाली देते हो तुम स्टेज पे, गंदी गंदी बातें करते हो, और फिर आपने इंटरव्यू में ये जवाब देते कि घर वालों को तो पैसे से मतलब है, घर वालों को पैसे मिल जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। कौन से घर वाले भैया जिनको पैसे मिल जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारा ये वीडियो बाहर आता है तो वो जो लोग देखने वाले हैं वो भी कौन लोग हैं, कौन सी दुनिया के लोग हैं जो ये देखते हैं। भैया खुदा के लिए ये ड्रामे करना बंद करो, ये शॉर्टकट का जो तुमने चुना है ना लाइक्स पाने के लिए, ये बंद करो। माना कि सोशल मीडिया पर अभी सेंसर नहीं आया, तो सेंसर आने का इंतजार मत करो, अपना सेल्फ सेंसर, खुद का भी कोई गैरत है कि नहीं, खुद की भी कोई खुददारी है कि नहीं, कोई शर्म लाज कोई है कि नहीं खुद की, क्यों यही सब करने से लोगों को तुम व्यूज पाओगे? कोई अच्छी चीज़ नहीं कर सकते? माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया तुमको, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को समझ सकते हो, जान सकते हो, हर चीज़ तुम्हें समझ में आती है, खाने के मामले में, पीने के मामले में, देश के मामले में, विदेश के मामले में, इतना नॉलेज है तुम्हारे पास में, तो करो अच्छी चीज़ें, करो। घूम फिर के वहीं आ जाते हो, अंग्रेज़ी पढ़ ली और देसी भाषा में देसी गालियाँ दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन से लोग हैं ये, इनको कौन बर्दाश्त कराए, इनकी तो सज़ा होनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा वीडियो आए तो पुलिस को चाहिए या जनता को चाहिए मिलकर उसका पता लगाए कि भाई तूने ये गालियाँ क्यों दी, इसको सोशल मीडिया पे डाल दो, ये सोशल हो गया ना, लोगों तक पहुंच गया ना, तो लोग इस टाइप का मनोरंजन, इस टाइप की बातें कहाँ किस कहाँ सुने, किसके साथ सुने, परिवार में किसी को। आज इतने गंदे गंदे ऐड आ गए हैं कि आप कोई गाना अगर अच्छा देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया तो उसके पहले इनके ऐड आते हैं जिसमें गालियाँ होती हैं, जिसमें गंदगी होती है, जिसमें नग्नता होती है, गंदी बात का, वो जो एकता कपूर का उसका प्रोमो आ जाता है, बाकी भी प्रोमो आ जाते हैं, इसमें लड़कियाँ गंदी गंदी गाली दे रही है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। थोड़ा सा पैसा पाने के लिए, थोड़ी सी सफलता पाने के लिए ये कर रही हैं लड़के लड़कियाँ। आपको बता दूं, इतना आसान अगर तुम रास्ता अपनाओगे तो तुम्हें ना पैसा मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, फिर तो कोई भी कर लेगा रास्ते का। कोई पागल जिसको गालियाँ सिवा गालियों को कुछ नहीं आता, वो अपना एक वीडियो बना देगा, तुमसे ज़्यादा व्यूज़ पा लेगा वो, अगर उसका क्राइटेरिया सिर्फ गालियाँ बकना ही है तो। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करो, कला जो है वो तो चीज़ें पुरानी ही होगी कि कला भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, ये तो तुम बोलोगे नहीं। हम तो आज भी स्टेज पे जाते हैं भैया, हाँ ठीक है, पुराने ज़माने के भैया, हम लोग जाते हैं स्टेज को प्रणाम करते हैं, जनता को प्रणाम करते हैं। हमारा मानना ये कि दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर और नियत, दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर और नियत, ये सब साफ होना चाहिए, तब जाके आप इस कला के मंदिर में लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, दर्शक बाबा आपके सामने परफॉर्म कर पाओगे।
तुम्हारा परिवार परिवार है, दर्शक नहीं, तुम्हारा परिवार दर्शक नहीं हो, ऑडियंस ना हो, तुम्हें कोई देखे ना, तो तुम्हारा परिवार पल जाएगा, चल जाएगा। वो माँ बाप तुम्हारा जो पैसा लेके खुश होते हैं, हो जाएंगे खुश? लाज शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम भी चलते फिरते गद्दार हो देश के, तुम भी चलते फिरते आतंकवादी हो देश के, तुम समाज के लिए बहुत बदनुमा दाग हो, क्योंकि तुम्हारे काम से समाज खराब हो रहा है। तुम इतने एहसान फरामोश और सेल्फिश हो कि तुम्हें लगता है कि बस हमें मिल रहा है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये तुम नियम इस्तेमाल कर रहे हो ना। तुम लोगों की सजा होनी चाहिए। तुमको एक एक आदमी को चार चार दिन कमरे में बंद करके सिर्फ बांबू से मारना चाहिए, सिर्फ बांबू से, यही तुम्हारी सजा है। कानून से मैं निवेदन करता हूं कि ये सजा लागू की जाए। जो वीडियो देखेगा, ऐसा बनाएगा, उसको फौरन बुलाओ और सिर्फ वीडियो दिखाओ और फटके मारो, वीडियो दिखाओ फटके मारो, वीडियो दिखाओ फटके मारो, मारो सालों को। 2021 में ये कचरा बंद करो बे, बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, गाली गलौज, गंदी बातें, लड़कियों को, लड़कियां भी अश्लील बातें करती है, लड़कियों तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। पैसा दूसरी लड़कियां कमाती है, 90% लड़कियां बेचारी मेहनत करती है, देश के लिए काम करती है, अच्छे अच्छे जॉब करती है, अच्छे अच्छे पोस्ट में, उनका उनका सम्मान उनसे सीखो। 90% हमारा देश का यूथ जो है वो देश के प्रति समर्पित है, माँ बाप के प्रति समर्पित है, करियर के प्रति समर्पित है, अच्छी चीज़ों के प्रति समर्पित है, उनसे कुछ सीखो। तुम लोगों की वजह से वो बदनाम हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, आज पूरा मीडिया जो है वो पीछे पड़ा हुआ है कि कॉमेडियन कॉमेडियन, पूरी कॉमेडी फील्ड बदनाम हो रही है। और मैं जनता से मीडिया से निवेदन करके बोलता हूँ, भाई हम लोग नहीं हैं, वो 10% कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको आप प्लीज़ जो सज़ा देना दीजिए। हम लोग आज भी साफ सुथरा करते हैं, आज भी हमारे लिए काम पूजा है, आज भी हम देशभक्त हैं, आज भी हम इंसान की इज्जत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज भी हमारे लिए भाई भाई हैं, वतन हमारे लिए वेतन से ऊपर है, काम जो है हमारे लिए पूजा है, दर्शक हमारे लिए जो है वो सब कुछ है, वो है तो हम है, दर्शक हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं। अब इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट में गाली देते हो, तारीफ करते हो, थैंक्स शुक्रिया करते हो तो थैंक्स है आपका, अगर मेरी बात से सहमत हो तो, और अगर गाली देते हो तो बिंदास दो कमेंट में, क्योंकि इनके चमचे आएंगे अभी, इन्होंने जो पाल रखे कुत्ते वो भौंकेंगे आगे नीचे। तो जो भी गाली आप दोगे, जो भी गाली, उसकी 100 गुना गाली मेरी तरफ से आपको, समझ जाओ, सोच लेना कि वो 100 गुना गाली मेरी तरफ से आपको, ठीक है, फिर ही कोई गाली देना। परेशान कर रखा है कलाकारों को, दर्शकों को, बेवड़े शेवड़े, नशेबाज, ड्रगिस्ट, सब आर्टिस्ट बन गए, सब एक्टर बन गए, सबको बस यही है, सुधर जाओ वरना सिधार जाओगे, समझ में नहीं आओगे तो समाज में नहीं आओगे। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का, अपने देश का नाम बदनाम मत करो, मंच का नाम बदनाम मत करो। कोई अगर आपको रोक नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करोगे, जो समाज के खिलाफ है वो बोलोगे। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन वो जो 20% अच्छे लोग हैं ना, उन लोगों की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका सम्मान करो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ। जय हिंद।